सूर्य ग्रहण के बाद महज 15 दिनों में लगने जा रहा है साल का दिन। चंद्र ग्रहण क्यों बदल देगा कुल 4 राशि वालों का जीवन? भयंकर दुष्प्रभाव होगा, इन पर असर पाएंगे खूब सुख समृद्धि सफलता और अपार धन। दोस्तों 25 अक्टूबर को लगे सूर्य ग्रहण के बाद अब 8 नवंबर को साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जो लोगों के मन में चिंता बढ़ाने वाला होगा। 15 दिनों के अंदर 2 ग्रहण होना किसी बड़े संकेत माना जाता है और ज्योतिष के अनुसार ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन की तरह ग्रहण का असर भी सभी राशियों पर देखने को मिलता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण। ग्रहण के बाद आने वाले करीब 1 महीने तक का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस ग्रहण का प्रभाव कुछ राशि वालों के लिए शुभकारी होगा तो 4 राशियों के जातक बनेंगे राजा। धन सुख समृद्धि की इन पर बरसात होगी। आज के वीडियो में हम उन्हीं के बारे में जानेंगे और साथ ही दुष्प्रभावों से बचकर शुभ प्रभाव बढ़ाने के आसान उपाय भी बताएंगे ताकि आपको शुभ समय का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। इन उपायों को नजरअंदाज बिल्कुल न करें। द्वार पर आई लक्ष्मी वापस जा सकती है और कमेंट बॉक्स में जय चंद्रदेव जरूर लिखें। तो लगातार 2 ग्रहण लगना कोई पहली बार नहीं हो रहा। महाभारत काल में भी 15 दिनों में 2 ग्रहण लगे थे। उस समय हुए महायुद्ध में लाखों लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए थे, इसी कारण इन्हें किसी बड़ी विपदा का संकेत माना जाता है। मंगलवार 8 नवंबर 2022 का चंद्र ग्रहण भारत समेत उत्तर और पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, अधिकांश दक्षिण अमेरिका, प्रशांत अटलांटिक और हिंद महासागर और अंटार्कटिका में देखने को मिलेगा। ऐसे में इन क्षेत्रों में कई जगह देशों के बीच तनाव बढ़ने के अलावा युद्ध जैसे हालात बने थे। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा भारत में, यह कोलकाता जैसे शहरों में दिखेगा। चंद्र ग्रहण पहले लग जाता है और ग्रहण समाप्त होने के बाद समाप्त हो जाता है। ऐसे में सूतक लगने से पहले ही देव दीपावली मनाई जाएगी। भारत के समय के अनुसार 8 नवंबर को दोपहर 1:30 बजे से शाम 7:27 तक लगेगा। चंद्र ग्रहण काल शाम 5:35 पर शुरू होगा। नियमों का पालन आपको अवश्य करना चाहिए और भगवान की भक्ति में अपना मन लगाए, भगवान का ध्यान करें, लेकिन मूर्तियों को स्पर्श न करें। सूतक काल लगने के दौरान खाना न बनाए, नहीं खाए। अगर पहले बना खाना रखा है तो उसमें तुलसी के पत्ते डालकर रख दे। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्र मंत्रों का जाप करें। गाय, बकरी या भैंस का दूध ना करें। जब सूतक काल समाप्त हो जाए तब घर को साफ करें, स्नान करें, घर में गंगाजल छिलके और दोबारा पूजा पाठ करें। स्नान के बाद बालों को ना जोड़े। सूतक काल में किसी भी गर्भवती महिला को घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए और इस दौरान विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। ग्रहण की छाया आपके घर में पल रहे। शिशु शास्त्रों के अनुसार सूतक काल में दांतों की सफाई और बालों में कभी नहीं करनी चाहिए। सूतक काल चल रहा हो तो सोना भी नहीं चाहिए। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। वैसे तो चंद्र और सूर्य ग्रहण एक भौगोलिक घटना है, लेकिन ज्योतिष में, शास्त्र में भी इसका बहुत अधिक महत्व माना गया है। मेष राशि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण मेष राशि वालों को नकारात्मक फल देगा। उन्हें धन हानि हो सकती है, साथ ही सेहत संबंधी समस्या हो सकती है। वृषभ राशि चंद्र ग्रहण का असर मिला जुला रहेगा, धन लाभ होगा लेकिन प्रतियोगिता में असफलता मिल सकती है, सेहत बेहतर होगी। मिथुन राशि मिथुन राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण अच्छा है, उन्हें धन लाभ हो सकता है, रुका हुआ पैसा भी मिलेगा, नई नौकरी प्रमोशन मिलने के योग हैं। कर्क राशि कर्क राशि का आखिरी चंद्र ग्रहण परेशानियां देगा, करियर में समस्याएं हो सकती हैं, सेहत संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण रिश्तों के लिहाज से अच्छा रहेगा।
वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध मजबूत होंगे। शादी पक्की हो सकती है। कन्या राशि। कन्या राशि वालों को चंद्र ग्रहण मिले जुले असर देगा। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। परिवार में झगड़ा तनाव हो सकता है। भूमि संपत्ति ले सकते हैं। तुला राशि। तुला राशि वालों को चंद्र ग्रहण आर्थिक हानि करवा सकता है। सोच समझकर पैसा खर्च करें, वरना नुकसान हो सकता है। बजट बिगड़ सकता है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को आखिरी चंद्र ग्रहण अच्छा रहेगा। संतान सुख मिलेगा। कोई अच्छी खबर मिल सकता है। धनु राशि। चंद्र ग्रहण के कारण धनु राशि वालों के जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। करियर व्यापार में कोई मुश्किल हो सकती है, हालांकि धैर्य से मामले सुधर सके। मकर राशि। मकर राशि वालों को चंद्र ग्रहण मान सम्मान दिलाएगा। नई गाड़ी खरीद सकते हैं। ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण अच्छा फल देता है। सम्मान बढ़ेगा। ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार के साथ संबंध अच्छी रहेंगी। पार्टनर मिल सकती है। मीन राशि। मीन राशि वालों को चंद्र ग्रहण सेहत पर नकारात्मक असर डालेगा। धन हानि हो सकती है। सोच समझकर खर्च करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नोटिफिकेशन ऑल बटन को दबाना ना भूलिए।